गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सर वी आर बैक, वेलकम यू ऑल टू 100 डेज 100 ब्लॉगिंग चैलेंज। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ। आज सुबह सुबह सोचा थोड़ा सा ऊपर की सैर करके आते हैं, मतलब छत की सैर करके आते हैं। तो दिस इज ऑल आवर छत लुक्स लाइक, मतलब थोड़ा सा ऐसे इधर जो है थोड़ा सा गंदा टाइप का हो गया है। तो वो भी मैंने किया था दिवाली के दिन जो है मोमबत्ती का जो है गिरा के। खैर उतना नहीं माइंड करते हैं, कुछ तो अपने से भी होता है ना, वो तो उसको पूरा को उसी पे छोड़ देते हैं, तो अपने फिर जान लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मैं आया था जो है फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। आई वॉज हेयर टू प्लक फ्लावर्स, सो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो अपराजिता के फूल जो है वो निकले हैं, और ये वाले थोड़े से, और पता नहीं वो येलो वाले नहीं निकल रहे हैं आजकल। मतलब निकले थे स्टार्टिंग में नवरात्रि के, लेकिन अब पता नहीं क्यों तो नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इतना माइंड नहीं करते हैं। और ये बस इस सवेरी धूप में हम लोग जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और विटामिन डी का जो है ग्रहण कर रहे हैं अपने सूर्य देव से। एंड सोचा थोड़ा सा टहलें क्यों ना ले, इसमें टहलने में क्या ही जाएगा, घाटा कुछ होगा नहीं, बस टाइम तो अपने पास पूरा है निठल लें। ऐसा देख सकते हैं पूरा समीर होंडा जो है इधर खाली हो रखा है, लाइक मतलब अभी तो कुछ है नहीं, तो अभी ऐसा कुछ माहौल बन रखा है कि उधर से केवल कौवे और चिड़ियों की आवाज़ आ रहे हैं। लाइक हाँ, इसमें गार्ड वार्ड रहते हैं, लेकिन अब कितने रहते हैं कहाँ रहते हैं उसका नहीं आइडिया है। दो तीन तो रहते हैं कम से कम, लेकिन फिर भी वो ऐसे पड़े हुए, जो बाइक हम लोग घर में इतना छुपा के रखते हैं, उस पर कपड़ा डाल के रखते हैं, बाहर जाए अगर पानी लग गया तो उसको पोंछते हैं, धूल पड़ गया तो उसको धोते हैं, वो बाइक ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे देख सकते हैं लोग उसके एजेंसी में ऐसे पड़े हुए हैं। बाकी और भी बहुत सारे उसके अंदर वो ब्लू वाले करकट के नीचे पड़े हुए हैं, और वो पता नहीं क्यों ऊपर वो चक्री लगा हुआ है, वो आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस प्लेस देयर। सो इस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे जो है हमारा घर छुप जाता है आजकल, नेवर नो। हाँ, अगर एक काम कर सकते हैं, अगर वो ऊपर वाले छत पे जाता हूँ तो आपको सब कुछ अच्छे से और दिख जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और मतलब ना वो क्या कहते हैं उसको, जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा वो उतना ज़्यादा होते जाएगा। जैसे अगर मैं इस छत पे चला गया कुछ नहीं दिखा, तो फिर बोलूँगा आपको उस छत पे चलते हैं, और ऐसे करते करते थोड़ा सा ऊपर भी चल जाएंगे लोग, और ऊपर तो फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे लोग। तो उतना नहीं सोचना है बिना मतलब का दिमाग लगाने के लिए। और अभी जो है ये फूल तोड़ते हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है अपराजिता के ये फूल रखे हैं, और ये ट्रेन जा रही है पता नहीं क्यों तो, लेकिन ऐसे ही मुझे करने का मन किया था। ठीक है, तो ये फूल तोड़ते हैं और लेके चलते हैं नीचे, नहाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज का क्या क्या प्लानिंग है। तो गाइस, कुछ हैंडफुल अमाउंट ऑफ फूल जो है हमारे पास जो है निकल के आ चुके हैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं। तो अब जो है इन सबको अपना जो है मतलब काम कर लिया है, इसको लेके जो है चलता हूँ नीचे एंड पूजा पे रख दूँगा, धो के रख लिया हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ नीचे गाइस। सो गाइस, अभी बहुत ही देर के बाद जो है मतलब अभी लगभग हो चुके हैं 10 बज रहे हैं, और अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसका गम नहीं है मुझे, और खुशी बस इस बात की है कि मुझे जो है नहाया नहीं हूँ, इसलिए जो है एक कप चाय भी मिल चुका है। ऐसे नहाने के बाद पीना चाहिए था, लेकिन जो सोचा पहले ही पी लेते हैं, एक कप ही तो मिलना था, एक कप मिल गया है, बाकी का कोटा का देखते हैं लोग बाद में। ठीक है, तो इस धूप में खड़े होकर जो है थोड़ा सा धूप भी सेक लेते हैं एंड चाय भी पी लेते हैं, साथ में बिस्किट भी ले लेते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे एरिया के एक और मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग घूमने आए हुए हैं। अभी पहले जो है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, मतलब बहुत सारे मंदिर साथ ही में, लेकिन पहले हनुमान जी का, और इधर साइड में जो है माता रानी का दर्शन हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइज, यहाँ पे गणेश जी के मंदिर में, यहीं पे जस्ट सामने ही गणेश जी का ये मूर्ति था, मंदिर था, तो वहाँ पे हम लोग सोचे घूम लेते हैं थोड़ा सा और दर्शन कर लेते हैं भगवंत के। और जो यहाँ पे नीचे में मूषक महाराज भी हैं और भगवान जी को माला लगाया हुआ। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली जो अपने दुर्गा माता के मंदिर में, जो कि जोड़ा शिवालय मंदिर कहते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब, और ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में जो तीनों माताओं का स्थान है, बाहर में जो है दिखाता हूँ मैं, इधर लेफ्ट साइड में गरबा वरबा भी हो रहा था कुछ दिन पहले तक, लेकिन
खैर अभी अब डेली डेली वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं एंड यहाँ पे जो है इस साइड में, और यहाँ पे जो है मेन मंदिर है ऐसा कुछ दिखता है लेफ्ट साइड, जैसे कि राइट साइड में हो रहा था गरबा स्टेज स्टेज और लेफ्ट साइड में कुछ स्टेज है, और डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने पावर हाउस मूर्ति घूमने। हम लोग गाइस यहाँ पे बहुत फेमस ये है एंड यहाँ पे जो है शाम में प्रसाद भी बटता है, लेकिन अभी शाम नहीं हो रही है, अभी हम लोग की हो रही है बस दिन। तो प्रणाम करते हैं और चलते हैं यहाँ से। एंड बहुत ही अमेजिंग जो है यहाँ पे मूर्ति बनता है, और हर साल जो है एक्ट भी होता है, लेकिन अफसोस हम लोग आज दिन में आए हैं, मे भी शाम में आते तो मिल जाता है एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सामने जो है गेट है पावर हाउस का, वो बहुत ही सुंदर बना रखा है उन लोगों ने। उस साइड से स्टार्टिंग है, इस साइड एंडिंग है। एंड अब चलते हैं हम लोग दुर्गा मंदिर। यहाँ पे हम लोगों ने नारियल खरीद लिया है दुर्गा मंदिर के लिए, सागर पोखरा के जस्ट सामने हम लोग को नारियल मिल गया था। तो चलते हैं, हम लोग पैदल ही आए हुए थे दुर्गा मंदिर के लिए, तो चलते हैं गाइस। तो ऐसा कुछ सजा रखा है इन लोगों ने दुर्गा मंदिर में, एंड दुर्गा मंदिर में जो है चलते हैं अंदर में और दर्शन करते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी दुकान सारे बहुत हैं, लेकिन हम लोग को नारियल पहले मिल गया था, और मम्मी ने बस यहाँ पे जो है सिंदूर लेने का सोचा था। अंदर आते हैं दर्शन से पहले हम लोगों ने जो है आंटी ने बोला था नारियल फोड़ देने के लिए, तो हम लोगों ने नारियल फोड़ दिया था। उसके बाद किए हमने अपने दर्शन जो है माता के, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नारियल फोड़ने अपना, और यहाँ पे नारियल तोड़ दिया एक बार में जो है, पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं टूटा था नारियल, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बचपन से तोड़ते आ रहा हूँ और जरूर ये टूट जाता है मेरे से। तो ऐसे लेकिन अब इधर से नहीं जाएंगे, और हम लोग रास्ते में से कट ले लिए और उधर दुर्गा मंदिर छोड़ दिया। ठीक है, अब मिलता हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद। तो गाइस अभी जो है हम लोग ऑटो में से तो हम लोग उतरे हुए थे मंगनीस के सामने, तो मंगनीस हमने ले ली फ्रूटी और पीते पीते आ गए घर। सो गाइस बिल्लू बदमाश इज बैक फ्रॉम प्लेइंग बैडमिंटन, एंड कुछ अच्छा दिन नहीं रहा उतना खास, तो उतना खास कुछ शेयर करने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये बाल भींगे हुए, अभी आरती करके आया हूँ, दिन में बहुत ही घुमा था, तो उसके बाद आके घर सो गया था खा पी के, एंड सोने के बाद गया था खेलने, तो बड़ी उतना कुछ खासा मूव भी नहीं कर पा रहा था और ऐसा था नहीं कुछ। ठीक है, तो अभी जो है आराम करता हूँ, बैठता हूँ और चाय की प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के दिन को, इस खूबसूरत दिन को जिस दिन हमने माता के दर्शन किए एंड इस खूबसूरत दिन को जो है यहीं पर एंडिंग देते हैं, बावजूद इसके कि जो है पेंटिंग मैंने आपको दिखा दी आज के लिए। देख सकते हैं ये वाली पेंटिंग जो यहाँ पे सुंदर वाली लगी हुई है। ठीक है, और ये सब जो है सब फाइबर वाइबर अभी जो है मैं क्लोज कर दूंगा, पर उससे मुझे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप लोग देखने चाहिए। ठीक है, कोई ना, तो बाहर बहुत ही अंधेरी रात हो चुकी है, जैसे कि मैं ये दिखा नहीं पाऊँगा, मैं ये जूम नहीं लेता, कैमरा जूम नहीं लेता। ठीक है, तो सेल्फी कैमरा में जूम नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं कल फिर आपसे। पंखे में काम चल रहा है तो इतनी ठंडी है नहीं, कल फिर से मिलता हूँ आपसे। टिल देन सो जाइए लोग, ताकि जो है कल सुबह फिर आप देख सकें, नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, और वो है बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, नहीं तो उसके बिना नोटिफिकेशन आता नहीं है हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स का। ठीक है, तो उन सबको कहते हैं बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलता हूँ फिर से आपसे। टिल देन गुड नाइट गाइस।